Assalamu alaikum. Hi guys, welcome back to my channel SK Makeup Tutorial. तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन वाइटिंग, स्किन ग्लोइंग अमेजिंग फार्मूला, जिसे आप किसी भी पार्टी पर, किसी भी इवेंट पर जाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस रेमेडी से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपके डार्क स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स और ब्लेमिशेस भी ट्रीट होंगे। फ्रेंड्स, आप इसे नेचुरल फेशियल ब्लीच भी कह सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस रेमेडी के रेगुलर यूज से आपका सन टैन भी कम्प्लीटली चला जाएगा और आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश और ग्लोई ग्लोई सी लगने लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलना, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए हमने सबसे पहले एक छोटा सा दरमियाने साइज का पोटैटो लेना है, आलू लेना है और उसको अच्छी तरह से छील लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहें तो इसको कूट सकते हैं या आप इसको ग्राइंड कर लें। पोटैटो में माइल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होते हैं जो मेलामाइन प्रोडक्शंस को रिड्यूस करता है, साथ ही हाई पिगमेंटेशंस को लो करता है और स्किन टोन को लाइटन करता है। पोटैटो में विटामिन सी होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन होती है। पोटैटो डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस और एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है। अब हम इस पोटैटो पेस्ट में ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। आप चाहें तो इसमें सईद गनी का व्हाइटनिंग उपटन भी यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर उपटन का यूज करूंगी। 2 टेबल स्पून उपटन डालूंगी, 1 टेबल स्पून रोज वाटर का ऐड करना है, 2 to 3 drops ऑफ एलमंड ऑयल का यूज़ करूंगी मैं यहाँ पर। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप एलमंड ऑयल की जगह 2 to 3 drops ऑफ लेमन का रस डालेंगे और 1 अदद हम इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट थोड़ा सा पतला सा रह गया है, थिन है, तो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं।
फ्रेंड्स अब हम इस मिक्सचर को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। बेहतर रहेगा कि आप ब्रश की बजाय अपनी फिंगर्स का ही यूज़ करें। ब्रश से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी ठीक से बैठ नहीं रहा स्किन के ऊपर, क्योंकि पोटैटो पेस्ट है और इसे आप अपनी फिंगर की मदद से अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके पूरे फेस पर स्प्रेड हो जाएगा। बेस्ट रिजल्ट्स आप इस रेमेडी को वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। और हाँ, इस पोटैटो पेस्ट से आपको हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है, ये परफेक्टली नॉर्मल है। इट मींस ये आपकी स्किन पर काम कर रहा है, आपकी स्किन के डेड सेल्स और अनवांटेड टैन को रिमूव कर रहा है। अब हम इस मास्क को 20 से 25 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मेरा मास्क जो है वो पूरे 20 मिनट के बाद बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब हम इस मास्क को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आपने अपनी स्किन को टॉवल के साथ बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना, आपने टिश्यू की मदद से अपने पूरे फेस को ड्राई करना है। वैसे तो इस फेस को लगाने के बाद बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं फील होगी कि आप इसको वॉश करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट हो चुकी होती है। लेकिन जो लोग इसमें एलमंड ऑयल की जगह पर 2 to 3 drops लेमन जूस का यूज़ करेंगे, वो लास्ट में विटामिन सी डॉक्टर राशिल का ज़रूर अप्लाई करें। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो बिग थम्स अप देना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।